glow in that battle is burning like a bright flame in my body and mind. Hello guys and welcome back to my channel, and today we are showcasing the red Frieza जो कि भाई मुझे इतने समन किए मगर मिला नहीं, मगर मुझे अभी जाके मिला है भाई फ्री टिकट में। तो भाई इसके स्टैट्स वगैरह बहुत बढ़िया, लाइक भाई ये ग्रीन कार्ड पे भाई ड्रैगन बॉल निकाल लेता है आगे वाले का और उसे पैरालिसिस देता है यहाँ पे, और उसके साथ ये लाइक जो इसके यूनिक एबिलिटी है भाई 80% डैमेज इन्फ्लिक्ट भाई जब ये आता है, और ये नॉन कैंसिलेबल है भाई, और उसके साथ ही ड्रैगन बॉल के हिसाब से इसे डैमेज इन्फ्लिक्ट और मिलेगा, और जैसे ही भाई एनिमी को हिट करेगा तो भाई उसकी की रिड्यूस करेगा 50 से, जो कि भाई बहुत इरिटेटिंग है, और भाई रिस्टोर की करेगा खुद की भाई 10 से, जो कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और इसका ब्लू कार्ड भी बहुत बढ़िया, लाइक भाई -100% टू एनिमी सस्टेन डैमेज कट, और यहाँ पे भाई 100% चांस टू इन्फ्लिक्ट हैवी ब्लेड, जो कि बहुत अच्छा है। और हैवी ब्लेड जैसे कि आपको पता है भाई मतलब कैसा काम करता है यहाँ पे, तो सीधा हम चलते हैं अपने पीवीपी की तरफ। अगर आपने अभी तक गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। और भाई फर्स्ट मैच में हमारे लैग चालू हो गया यहाँ पे, तो ओके थोड़ा कॉम्बो ड्रॉप हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सीधा थोड़ा सा स्ट्राइक यूज करने लगता हूँ यहाँ पे, और मैच कवर चेंज करता हूँ यहाँ पे सीधा भाई रेड फ्रीजा से, और ग्रीन कार्ड यूज़ करूँगा ताकि मुझे ड्रैगन बॉल मिले और थोड़ा सा डैमेज और बफ हो हमारा। और यहाँ पे मैं फंस जाता हूँ फ्लोटिंग में, और यहाँ पे भाई ये सीधा स्ट्राइक करता है फुल स्क्रीन, और यहाँ पे ये भी फंस जाता है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक रुक के ये करता हूँ ताकि ये जामस में स्विच ना हो, और ये स्विच नहीं होता वैसे। और यहाँ पे मैं सीधा भाई ब्लू कार्ड यूज कर देता हूँ, ये फुल पावर फ्रीजा का, और भाई वन शॉट सीधा, और यहाँ पे भाई मैं फंस गया यहाँ पे सीधा, परफेक्ट वैनिश मिल गया उसको, और वो रुक जाता है क्योंकि भाई उसके पास की नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं की रिड्यूस कर देता है जब ये फ्रीजा भाई हिट करता है ना, तब भाई हर वक्त ये -50 की कर देता है मतलब, और डीबफ देता रहता है बार बार। और यहाँ पे भाई एक्स्ट्रीम ब्लीड लग गई यहाँ पे भाई, और यहाँ पे मैं फिर से ब्लू कार्ड यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और भाई इजीली भाई ये फ्रीजा किल हो जाएगा, और यहाँ पे भाई ये साइड स्टेप करता है और इजीली गया यहाँ पे ये, और यहाँ पे भाई मैं मेन एबिलिटी पॉप करूँगा इस वाले फ्रीजा की, और यहाँ पे मैं सीधा भाई मेन एबिलिटी यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ओके देखते भाई डैमेज शायद किल नहीं होगा, ओके भाई किल नहीं हुआ मगर अच्छा डिसेंट डैमेज हुआ यहाँ पे। इसको अगर जेंका मिल जाए ना गाइस तो भाई LOE वापस से आ सकते हैं भाई पीवीपी में यहाँ पे मेटा में फिर से, और यहाँ पे हम इजीली मैच जीत गए यहाँ पे। तो अभी हम सीधा चलते हैं अपने नेक्स्ट मैच की तरफ, और जो नेक्स्ट मैच है वो है भाई फ्यूजन्स के खिलाफ, और मुझे वैसे भाई लेने जेबिल पसंद है भाई, आप कमेंट में बताइए कि आपको भाई लेने जेबिल टीम पसंद है, LOE टीम मतलब पसंद है या फिर नहीं। और यहाँ पे भाई रेड फ्रीजा आ गया, देखते भाई डैमेज, ओ भाई साहब बहुत डेंजर वाला डैमेज था यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपने ग्रीन कार्ड यूज़ करूँगा, और यहाँ पे थोड़े ड्रैगन बॉल ले लेते हैं हमें, ओके ये सिंगल टैप में फंस गया यहाँ पे, और भाई इसका गुजेटा चला गया यहाँ पे इजीली, ओके भाई, और मैं यहाँ पे डैश करता हूँ, ओके मैं वेट करता हूँ यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही, और देखते ये क्या करता है, ओके फुल स्क्रीन स्ट्राइक, और मैं सीधे जाता हूँ भाई फ्रीजा में, और ब्लू कार्ड, ओके डिसेंट डैमेज यहाँ पे। तो भाई इसको जेंका मिलना बहुत ज़रूरी है भाई इस फ्रीजा को, ओके यहाँ पे बैट हो गया यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मैं सीधे जाता हूँ भाई अपने कूलर में, और वैसे भाई मेरा कूलर जेंका तो नहीं है मगर मैं इसको जल्दी भाई जेंका करूँगा, और इसका भी शोकेस लाऊँगा भाई, मुझे इसे पर्सनली जेंका करना है भाई, क्योंकि इसका जेंका पे भाई डैमेज बहुत ही बढ़िया है भाई रेड यूनिट के लिए, तो ये सबसे बड़ा खतरा है एक तरह से। देखते हैं भाई अभी ये क्या कर पाता है अपना कूलर, ओके भाई किल कर दे यहाँ पे इजीली, और यहाँ पे मैं फिर से भाई फ्रीजा में जाता हूँ, और ओके भाई वो ब्लास्ट आर्मर लेता है यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा अभी पनिशमेंट लेना चाहूँगा अभी, ओके गलत टाइम पे मैंने ब्लू कार्ड यूज़ किया यहाँ पे, मतलब ग्रीन कार्ड यूज़ किया सॉरी, और यहाँ पे भाई हम मार ही खा रहे हैं अभी तक, और यहाँ पे ओके यहाँ पे भाई सही बैठ किया उसने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सीधा अपना फुल स्क्रीन स्ट्राइक के लिए जाता हूँ यहाँ पे,
और या फिर भाई सीधा अपना कवर चेंज करने की कोशिश करूँगा भाई यहाँ पे, मगर मैं अपने स्ट्राइक कंटिन्यू रखता हूँ। और या फिर भाई मैं सीधा ब्लू कार्ड यूज़ करूँगा। ओके भाई, बहुत अच्छा डैमेज है वैसे। और यहाँ पे मैं फिर से भाई ब्लू कार्ड के लिए जाता हूँ, और यहाँ पे ये स्ट्राइक के लिए आता है और इजीली हम मैच जीत जाते हैं यहाँ पे, तो प्रीटी इजी विन। तो अभी हमें अपने नेक्स्ट मैच की तरफ जाते हैं। और गाइज, मैंने गोजेटा वाले बैनर को पागलों की तरह भाई समन किया था कि भाई मुझे गोजेटा मिल जाए भाई किस तरह। तो मतलब भाई मैंने एटलीस्ट भाई 20,000 सीसी लगाए होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब भाई ग्राइंड करके भाई मैंने सीसी लिए थे, मगर भाई कुछ नहीं मिला। और मेरा तो भाई आजकल समन बहुत गंदा जा रहा है भाई, इसलिए मैंने समनिंग बंद कर दिया है। और भाई इस बंदे ने मुझे समझा नहीं भाई SSG4 गोजेटा क्यों रखा है भाई सागर फॉर्म मूवीज में, पर ठीक है भाई, इसकी मर्जी है अभी। ओके, और मैं थोड़ा रुक जाता हूँ और सीधा भाई ग्रीन कार्ड यूज़ करूँगा ताकि हमें ड्रैगन बॉल मिल सके। तो भाई इस टीम के साथ आप राइजिंग रश बहुत जल्दी फार्म कर सकते हो भाई, इसके ग्रीन कार्ड के साथ इजीली आपको 2 ड्रैगन बॉल तो भाई मिल जाएंगे इजीली। और या फिर भाई मैं सीधा फुल पावर फ्रीजा में जाता हूँ यहाँ पे और ब्लास्ट कार्ड यूज करता हूँ यहाँ पे, और या फिर मैं फिर से एक बार स्ट्राइक करता हूँ और मैं सीधा भाई गोल्डन फ्रीजा में जाता हूँ। और ये मैं थोड़ा स्टैट में पकड़ लेता हूँ और मैं सीधा भाई यहाँ पे मेन एबिलिटी के लिए जाऊँगा और शायद से वन शॉट कर देगा, देखते हैं। ओके, वन शॉट कर दिया, तो स्टिल भाई ये गोल्डन फ्रीजा स्टिल गुड है यहाँ पे। और या फिर भाई हम थोड़ा वेट कर दिया और इजीली कैच कर लेते हैं इसे भाई, और मैं थोड़ा चार स्टेप करता हूँ और ये फाइनली भाई गोजेटा में सुपर सन गोजेटा में स्विच हो जाता है यहाँ पे। और या फिर मैंने एबिलिटी यूज़ करता हूँ यहाँ पे और मैं भूल जाता हूँ कि भाई इसे मैंने एबिलिटी पे इसके पास भाई ये नहीं है, ब्लास्ट आर्मर नहीं है, तो मैं गलती से इस यहाँ पे मैंने एबिलिटी यूज़ करता हूँ यहाँ पे। और ये बंदा भाई मुझे बेट करना चालू करता है फाइनली, और या फिर मैं फ्लोटिंग में फंस जाता हूँ फिर से। और जैसे भाई मैं सिंगल टैप करता हूँ ये, वैसे ही भाई इसका ये चालू हो जाता है भाई स्ट्राइक करना, सीधा चालू करता है यहाँ पे। और या फिर मैं पागलों की तरह मतलब लैग, मुझे नहीं मालूम भाई क्या होता है, मगर मैंने सिंगल टैप शायद से 2 बार किया और तीसरी बार क्यों हुआ मुझे मालूम नहीं। और ये ग्रीन कार्ड यूज करने के बाद भाई डैश, मेरा जो डैश का जो बग है ना जो भाई, वो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है मेरा आजकल। और यहाँ पे मैं थोड़ा रुक जाता हूँ और भाई मैं सीधा ब्लू कार्ड के लिए जाता हूँ और मेरे हिसाब से भाई वन शॉट। ओके भाई, सीधा वन शॉट यहाँ पे। और आज के लिए यही था गाइज, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।